चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो फिजिक्स में जहां तक के पढ़े थे हम लोग पढ़े थे फिजिक्स में पिछले दिन विभवमापी की वोल्ट मीटर से श्रेष्ठता कि कौन सबसे उत्तम है इसके बारे में डिस्कस किए थे। चलिए आगे जो टॉपिक देंगे हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। उसके नीचे फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, तब वह चालक गर्म हो जाता है अर्थात विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है इसे ही विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव कहा जाता है। नेक्स्ट एरो दूसरा एरो किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। चलिए अब हम लोग दोनों एरो को बढ़िया से समझेंगे कि क्या बोला जा रहा है। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव होता क्या है? हम लोग अक्सर क्या देखते हैं, अगर कोई वायर है, अगर कोई तार है और उसमें जब हम लोग करेंट भेजते हैं, जैसे मान लिया कि एक वायर है और इसमें जैसे ही करंट को हम लोग भेजेंगे, करंट इसमें प्रवाहित करना शुरू करेंगे, तो पता चलता है कि कुछ देर के बाद ये जो वायर है वो गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाना का मतलब क्या, उष्मा में बदल जाना, यानी कि उष्मा जो विद्युत ऊर्जा था वो किसमें बदल गया, उष्मा में बदल गया। यानी कि जब किसी भी वायर में जब हम लोग करंट भेजते हैं तो वो वायर जो है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। यही है विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव। यानी किसका मतलब यह हुआ कि जब किसी भी तार में अगर हम लोग करंट भेजते हैं तो वो तार जो है गर्म हो जाता है, और यही प्रक्रिया, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहलाती है, राइट। चलिए अच्छा नेक्स्ट क्या लिखें कि जो हम लोग विद्युत कार्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो कार्य होता है डब्लू, वही उष्मा को बतलाता है। यानी कि जब हम लोग फार्मूला बनाएंगे, जब फार्मूला डिराइव करेंगे, तो वो फार्मूला उष्मा का फार्मूला भी वही होगा जो हम लोग वर्क का फार्मूला, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही उष्मा का भी फार्मूला होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसका डिराइव कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहां पर यह सीखेंगे कि नहीं नेक्स्ट एरो दे देंगे थर्ड एरो लिखेंगे थर्ड एरो में
विद्युत धारा में उत्सर्जित, विद्युत धारा में उत्सर्जित या उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण, ऊष्मा का परिमाण आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है, जहां पे आई का मतलब क्या उसके नीचे लिख दीजिएगा, जहां आई बराबर विद्युत धारा, आर मतलब प्रतिरोध, टी मतलब ताप, टेम्परेचर, सॉरी टी मतलब यहां पर ताप नहीं समय, टी का मतलब समय। चलिए तो अभी तक के तो हम लोग तीन बात सीखे। अगर हमसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा में जो किसी तार में विद्युत धारा देते हैं तो वो तार जो है गर्म हो जाता है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न हो जाता है, तो ऊष्मा का मान कितना होता है आई स्क्वायर आर टी, राइट। अब उसके नीचे लिखेंगे ऊष्मा को प्राय कैपिटल एच या कैपिटल यू से भी सूचित किया जाता है, यानी कि ऊष्मा का जो फॉर्मूला अभी हम निकालने वाले हैं, प्रूफ करने वाले हैं, वो उसको एच से भी सूचित करेंगे या फिर यू से भी सूचित कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऊष्मा का फॉर्मूला याद रहेगा कि विद्युत धारा में जो ऊष्मा आता है, यानी कि जब किसी भी तार में जब करंट भेजते हैं तो तार जो है गर्म हो जाता है, तो गर्म होता है यानी कि ऊष्मा, और ऊष्मा का फॉर्मूला क्या आई स्क्वायर आर टी। अब जब ए आई स्क्वायर आर टी है तो ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, तो चलिए फॉर्मूला को हम लोग सिद्ध करते हैं, ये आई स्क्वायर आर टी कैसे आता है। स्पेस उतना नहीं होने के कारण हम बीच में ये पार दिए हैं ताकि एक तरफ ये और फिर दूसरा तरफ ये। सबसे पहले हम लोग एक वायर माने, एक तार है जिसका नाम है ए बी, ए बी तार है, बीच में दोस्त प्रतिरोध है, इसका हम आर प्रतिरोध बोल रहे हैं, इसमें करंट देते हैं आई विद्युत धारा दिया जा रहा है, और कितना समय तक, तो इसमें टी टाइम तक, यानी कि टी समय तक, टी समय तक हम इसमें करंट भेज रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे कि माना कि ए बी एक तार है जिसमें आर प्रतिरोध जुड़ा है, प्रतिरोध जुड़ा है, और इसमें धारा आई को टी समय तक प्रवाहित कर रहे हैं। यानी कि एक वायर हम लोग मान लिए हैं, अब इस वायर में चूंकि क्या क्या होगा, अच्छा मान लेते हैं कि यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस भी है, पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि विभव है, भी विभव है। अच्छा सबसे पहले बात कि जब हम लोग करंट जब पास कर रहे हैं तो आवेश भी तो होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि करंट का डेफिनेशन क्या होगा, तो चलायमान आवेश को, जब आवेश अगर ज्यादा तेजी से चलता है तो करंट में बदल जाता है, यानी कि आवेश ही एक गतिमान गतिशील आवेश ही विद्युत धारा का निर्माण करती है। तो यहां तक के हम लोग माने, अच्छा हम लोग क्या पढ़े हैं, चूंकि आई बराबर विद्युत धारा क्या होता है, तो जितना आवेश जितना टाइम के अनुपात में, यानी कि एकांक आवेश जिस जितना समय में प्रवाहित होती है वो क्या कहलाता है, आई कहलाता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू बराबर आई टी। अच्छा उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हम लोग ये भी पढ़े हैं तथा कि जो विभव का मान होता है वो किया गया एकांक आवेश में किया गया कार्य होता है, विभव का डेफिनेशन क्या है, एकांक आवेश में किया गया कार्य विभव कहलाता है, तो v बराबर क्या w बटा में q, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि w बराबर में q बटा v, w बराबर q इंटू v, q इंटू v। अब चूंकि q का मान क्या है it है, क्यू का मान आई टी, तो चूंकि क्यू बराबर आई टी
इसलिए W का मान क्या होगा, Q के जगह पे आई टी अगर रखेंगे तो यहां हो जाएगा आई टी इंटू वी। ये W हो गया, W का मतलब क्या, कार्य। अच्छा उसके बाद हम लोग एक अब लगाएंगे ओम का नियम, ओम के नियम से। ये दोस्त अभी हम लोग पढ़े ना कि फॉर्मूला उष्मा का कितना होता है, तो आई स्क्वायर आर टी होता है, तो अब वही आई स्क्वायर टी को प्रूव करने के लिए इतना प्रोसेस है, तो उसके नीचे ही लिखना है जो एरो मार के लिखे थे ना, उसके नीचे ये फिगर, उसके बाद माना की, उसके बाद प्रूफ करने का प्रोसेस। ओम के नियम से क्या बताते हैं हम लोग, कि भी बराबर होता है आई आर, भी बराबर आई आर, जहां भी होता है विभव, आई होता है विद्युत धारा और आर होता है प्रतिरोध। अच्छा अब आप लोग यहां से ये भी निकाल सकते हैं, जब W बराबर आई टी भी है तो यहां भी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये आई टी गुना में है तो यहां हो जाएगा नीचे, यानी कि W बटा आई टी बराबर में भी, भी का फॉर्मूला हो गया, ये आई टी जो गुना में है इधर आएगा तो भागा में। अब यहां यही वाला वैल्यू भी के जगह पे ये पुट करेंगे तो यहां हो जाएगा W बटा आई टी, W बटा आई टी इज इक्वल टू आर, तो हम लोग क्या मिलेगा, W बराबर, W बराबर यहां सॉरी ये तो भी के जगह पे हम लोग W बटा आई टी रख दिए, यहां तो ऑलरेडी आई आर है, तो अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आई आई मिलके हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अब चूंकि हम लोग यहां पे W का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, यानी कि कार्य का फॉर्मूला निकाले हुए हैं, तो ये कार्य का फॉर्मूला ही हम लोग को उष्मा का फॉर्मूला देगा, यानी चूंकि हम लोग पढ़े ना अभी कि जो भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य है वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो उष्मा में कन्वर्ट होता है, तो उसके नीचे लिखेंगे, अतः H बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि यही W जो है किया गया कार्य, किया गया किया गया कार्य, किया गया कार्य ही कुल उष्मा के बराबर होता है, बराबर होता है, इसलिए H बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि उष्मा को H से भी सूचित करते हैं और U से भी, तो H बराबर I स्क्वायर R इंटू टी, तो ये प्रूफ होता है। अगर हमसे सवाल आएगा कि विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो उसका डेफिनेशन लिख देंगे, अगर उसका फार्मूला क्या है, तो I स्क्वायर R टी कैसे सिद्ध होता है, तो सिद्ध करने का प्रोसेस, तो यहां पे हम लोग का सिद्ध हो चुका है, H बराबर I स्क्वायर R इंटू में टी, H बराबर I स्क्वायर R टी। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति टॉपिक रहेंगे, विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर। टॉपिक देंगे विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति क्या होता है, विद्युत शक्ति उसके नीचे एरो देंगे शक्ति, फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहा जाता है, विद्युत शक्ति कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग यहां पे ये समझे कि जो विद्युत शक्ति होता है, विद्युत शक्ति जो होता है वो क्या होता है, तो जितना विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होगा एकांक समय में, समय यानी कि विद्युत शक्ति का फॉर्मूला क्या होगा, तो विद्युत ऊर्जा बटा में समय, यानी इसका डेफिनेशन ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि एकांक समय में उत्सर्जित,
या प्राप्त विद्युत ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटा में समय। अच्छा फिर लिखेंगे नेक्स्ट एरो, विद्युत शक्ति को पी से सूचित किया जाता है। विद्युत शक्ति को पी से सूचित किया जाता है, हो गया ना। फिर उसके नीचे अतः ये विद्युत शक्ति को हम लोग पी से सूचित करते हैं, तो यहां पे पी लिख दिए इज इक्वल टू, विद्युत ऊर्जा को हम लोग सूचित करते हैं डब्ल्यू से, क्योंकि कार्य ही तो ऊर्जा होता है ना, किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में है, तो यहां पे हम लोग डब्ल्यू और समय को टी से, तो पी बराबर फार्मूला क्या निकला, डब्ल्यू बटा में टी। पी बराबर एक फार्मूला क्या, डब्ल्यू बटा टी। चलिए या करके और भी फार्मूला डिराइव करते हैं, तो पी के जगह पे पी है और डब्ल्यू का फार्मूला क्या, तो आई स्क्वायर आर टी बटा में टी, तो टी से टी कट गया, तो क्या मिला, तो पी बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर। यानी कि देखिए धीरे धीरे हम लोग का मामला बढ़ते जा रहा है। एक्चुअली विद्युत शक्ति का डेफिनेशन क्या था, एकांक समय में प्राप्त विद्युत ऊर्जा को विद्युत शक्ति कहते हैं, विद्युत शक्ति को पी से सूचित करते हैं, विद्युत ऊर्जा को डब्ल्यू से, समय को टी से। तो पहला फार्मूला पी बराबर डब्ल्यू बटा में टी, और दूसरा क्या, डब्ल्यू का फार्मूला अभी पढ़े ना, आई स्क्वायर आर टी, यही ना उष्मा होता है, तो टी से टी कैंसिल आउट हो गया, तो पी बराबर आई स्क्वायर आर, राइट। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं, पी बराबर आई स्क्वायर है तो आई इंटू आर, आई स्क्वायर आर, चूंकि भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है, ओम के नियम से भी बराबर आई आर, इसलिए हम लिख सकते हैं पी बराबर आई का तो आई लिख दिए और आई आर के जगह पे भी, यानी कि पी बराबर आई भी लिख सकते हैं, इसको भी आई भी लिख सकते हैं। यानी कि आप देख पा रहे होंगे तो सब पावर का ही डेफिनेशन, सॉरी फार्मूला निकल रहा है, शक्ति का एक ये फार्मूला है, एक ये भी फार्मूला है और एक ये भी फार्मूला है, यानी कि P का तीन फार्मूला अभी तक के आ चुका है। अच्छा अगर हम लोग और बात करें तो यहां पे P बराबर, एक मिनट, हम लोग अभी तक तीन डेफिनेशन, अच्छा और V बराबर आई आर, तो यहां अभी पुट कर दिए, यहां I है तो P बराबर V है, तो कुल मिलाकर टोटल P का जो फार्मूला बना वो हम लोग इतना तरह से हम लोग कर चुके हैं। अच्छा एक और काम कर सकते हैं, वो कौन सा, यानी कि आपको नोट करना है ये और इसके नीचे ये और फिर इसके नीचे, और हम बताते हैं क्या नोट करना है इसके नीचे, चूंकि P बराबर आई स्क्वायर आर है तो क्या हम लोग R से ऊपर नीचे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, P बराबर आई स्क्वायर आर था यहां से, अब उसके आई स्क्वायर आर तो ऑलरेडी है, हम लोग सेम से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां पे लिखेंगे P बराबर, इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर बटा में आर, अब चूंकि भी बराबर क्या होता है, तो आई आर होता है, इसको नहीं लिख सकते हैं, पी बराबर आई आर का स्क्वायर बटा में आर, इसलिए पी बराबर क्या हुआ, तो भी स्क्वायर बटा आर, आई आर के जगह पे भी रख दिए और भी स्क्वायर बटा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल विद्युत शक्ति का कितना फार्मूला, तो चार फार्मूला। तो अब उसके नीचे एरो देखते हैं, लिखेंगे विद्युत शक्ति का निम्नलिखित सूत्र है, विद्युत शक्ति का निम्नलिखित सूत्र है, पहला P बराबर W बटा T, दूसरा P बराबर I स्क्वायर R, तीसरा P बराबर VI, इसको लिखने के बाद, चूंकि ये हम लोग प्रूफ कर लिए और उसके बाद हम लोग चार तरह का फॉर्मूला, P बराबर V स्क्वायर बटा में R, P बराबर V स्क्वायर बटा में R, तो टोटली ये जो चारों फार्मूला है कैसे हम लोग प्रूफ कर पाते हैं उसको नोट जरूर कीजिएगा। उसके बाद इसके नीचे जो एरो देंगे वो लिखिएगा कि विद्युत शक्ति का सूत्र चार होता है, निम्नलिखित होता है, पहला P बराबर W बटा T, P बराबर I स्क्वायर R,
पी बराबर वी आई, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर। ये चार तरह का पावर। अब कैसे पता चलेगा हमें कि पावर का फॉर्मूला ये लगाना है या ये लगाना है या ये लगाना है, कैसे पता चलेगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में हमको आई का मान और आर का मान दिया रहेगा और तब पी निकालने के लिए बोलेगा तो दूसरा नंबर लगाएंगे। अगर हमको सवाल में न्यूमेरिकल में भी वोल्ट देगा और विद्युत धारा देगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अगर भी स्क्वायर देगा यानी कि भी का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और आर का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो हम ये वाला यूज करेंगे। अगर हमको डब्ल्यू दिया रहेगा और टी दिया रहेगा तब हम पहले वाला यूज करेंगे। यानी कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यूज करेंगे कि कौन सा फार्मूला यूज करना है। यानी कि टोटल चार तरह का फार्मूला आपको पी का याद रखना है। अब जो जैसा सवाल हमको देगा वैसा हम काम करेंगे। चलिए अब उसके नीचे लिखेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। विद्युत एरो देकर लिखेंगे विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, वाट होता है, वाट होता है। यानी कि शक्ति का एसआई मात्रक तो हम लोग को पक्का जो मेन यूज करना है वो वाट, वाट का मतलब वाट, इसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं वाट। जैसे मान लीजिए दो वाट, दो टू डब्ल्यू लिखेंगे दो वाट। वर्क बड़ा होता है और डब्ल्यू छोटा, इसका मतलब वाट, इसका मतलब कार्य, तो ये वाट होता है। अच्छा अब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग हम लोग यूज करेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं। यानी कि शक्ति का मेन जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ होता है, उसके अलावा देखते हैं क्या क्या होता है। तो P बराबर जब W बटा T अगर लिखेंगे तो W का मतलब कार्य, तो जूल प्रति सेकेंड भी एसआई मात्रक लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला से P बराबर क्या था दूसरा फार्मूला, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर टी। आई का मतलब एम्पियर का स्क्वायर, आर का मतलब ओम और बट्टा में सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर स्क्वायर ओम प्रति सेकेंड, ओम प्रति सेकेंड, इसको हम लोग जूल प्रति सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला था पी बराबर भी आई, यानी कि भी माने वोल्ट, तो यहां वोल्ट हो गया, आई का मतलब एम्पियर विद्युत धारा का। तो ये जो है शक्ति का ऐसा है मात्रक जूल प्रति सेकेंड भी हो सकता है, एक और शक्ति का ऐसा मात्रक ए भी हो सकता है, शक्ति का ऐसा मात्रक वोल्ट एम्पियर भी हो सकता है, और चौथा से चले तो यहां P बराबर भी स्क्वायर बटा में R, भी का मतलब विभव और विभव का वोल्ट स्क्वायर बटा में ओम, यानी कि वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम। यानी कि और एक मेन जो होता है वो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो टोटल मिलाकर शक्ति का पांच ऐसा मात्रक। अगर हमसे कोई भी पूछेगा कि शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होगा तो आप इसको बोलेंगे तो कोई गलती नहीं काटेगा, लेकिन अक्सर हम लोग शक्ति का ऐसा मात्रक में वाट यूज करेंगे। यानी कि ये सवाल अक्सर कोई पूछ देगा तभी इसको हम लोग बता सकते हैं कि पांच पांच ऐसा मात्रक होता है, भी ए यानी कि वोल्ट एम्पियर, भी बोल रहे छोटा भी ए, यहां वोल्ट स्क्वायर प्रति ओम, एम्पियर स्क्वायर ओम प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड और वाट। तो आपको सभी याद रखना है, अगर मान लिया जाए कि एग्जाम में अगर आएगा कि चार ऑप्शन देगा और उसमें वाट देगा ही नहीं, आप इसमें से कोई एक ठो दे देगा और या फिर इसको इसको देकर और चौथा ऑप्शन बोलेगा कि सभी, तो सभी में टिक आउट करेंगे क्योंकि सबको याद रखना जरूरी है, जानना जरूरी है। तो ये हम लोग आज विद्युत शक्ति को डिस्कस किए। अब अगले दिन की वीडियोज में अगले नया टॉपिक्स करेंगे। धन्यवाद।